नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। बुलेटिन में सबसे पहले बात इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग से जुड़ी। इजराइल में भारत का ऑपरेशन अजय। इजराइल में फंसे 212 लोगों को वतन वापसी। भारतीयों को लेकर विमान पहुंचा है दिल्ली। स्पेशल विमान से दिल्ली भारतीय आ रहे हैं, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। जो इजराइल में भारतीय लोग फंसे हुए थे उन्हें लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है और पहला विमान दिल्ली पहुंच चुका है। 212 लोगों की वतन वापसी आज हुई है। विशेष विमान से दिल्ली लेकर आया गया है इन लोगों को। तो लगातार देखिए जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है, कई जो भारतीय हैं अभी भी इजराइल में फंसे हुए हैं उन्हें वापस भारत लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया गया। करीब 15,000 से 20,000 जो भारतीय हैं वहां पर फंसे हुए हैं, जिनमें से 212 लोगों को पहली पारी में भारत वापस लाया गया है। जो विमान है स्पेशल वो दिल्ली पहुंच चुका है 212 लोगों को लेकर, और लगातार ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहेगा। जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया था कि जो भारतीय वापस अपने देश आना चाहते हैं उन्हें वापस लाया जाएगा, और इसीलिए ये विशेष ऑपरेशन ऑपरेशन अजय इसकी शुरुआत की गई। पहला विमान आया है 212 लोगों को लेकर, वतन वापसी इन लोगों की हुई है और दिल्ली ये विमान पहुंच चुका है। स्पेशल विमान से 212 भारतीयों को वापस लाया गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि जिस तरीके का माहौल इस वक्त इसराइल में बना हुआ है, जो लोग थे वहाँ डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उस बीच जब वतन वापसी की है इन लोगों ने तो खुशी साफ तौर पर चेहरे पर देखी जा सकती है। ये देखिए किस तरीके से विशेष इंतजाम किए गए थे, विशेष विमान के जरिए इन सभी भारतीयों को आज वतन वापसी करवाई गई है। 212 संख्या बताई जा रही है जिन्हें विशेष विमान से आज दिल्ली लेकर आया गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, जब दिल्ली पहुंचे ये लोग जो इसराइल में रह रहे थे और जंग के बीच जब वहां पर फंसे तो भारत सरकार की तरफ से इन्हें अब वतन वापसी कराई गई है। 212 की संख्या, और कुछ दिनों तक ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा जिसमें जो वहां फंसे लोग हैं उन्हें वतन वापसी करवाई जाएगी। ऑपरेशन अजय इसराइल में करीब बताया जा रहा है कि 18,000 जो भारतीय हैं वो रहते हैं, और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था भारत सरकार की तरफ से कि जिन्हें अपनी वतन वापसी करनी है, भारत वापस आना है, वो इन हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और फिर आगे का जो प्रोसेस है उसकी शुरुआत होगी। वतन वापसी इन लोगों की करवाई जाएगी। इसराइल में फंसे हुए लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अपनी टीवी स्क्रीन पर भी आप ये नंबर देख सकते हैं जो भारत सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिससे कॉन्टैक्ट करके आप वतन वापसी कर सकते हैं। ABP News आपको रखे आगे।